नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट सूमो सिरप के बारे में। सो गाइस, ये जानने वाले हैं कि सूमो कोल्ड सिरप का यूज किन कंडीशन में बच्चों को करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके प्राइस क्या होते हैं और इसका डोज बच्चों में किस प्रकार से दिया जाता है। सो गाइस, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों सूमो कोल्ड सिरप जो है ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है और यह मार्केट में 68 रुपये में मिल जाता है। और दोस्तों इसके यूज की बात की जाए तो यह बच्चों में, जब बच्चों को निमोनिया हो जाता है, उनको सर्दी जुकाम फीवर जैसा हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। यह एक ब्रांड सिरप है और इससे जो है बच्चों को काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाती है। यदि बच्चों को कोल्डनेस के कारण उनको फीवर बना रहता है, उसको जुकाम हो गया है या फिर खांसी जैसा आता है, तो उस सिचुएशन में यह सिरप काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अब बात करते हैं इसके साल्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। दोस्तों इसके साल्ट की बात की जाए तो इसमें पैरासीटामॉल 125 mg पाया जाता है और क्लोरफिनामिन 1 mg पाया जाता है और इसमें हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg मिले होते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका डोज बच्चों में किस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों इसके डोज की बात की जाए तो यदि बच्चा 1 से 6 महीने के बीच में है तो उस कंडीशन में 2.5 ml सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दिया जा सकता है। यदि बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो उस कंडीशन में 5 ml सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। यदि बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में है तो उस कंडीशन में 10 ml सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट बच्चों में किस प्रकार से हो सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि बच्चे को नौजिया वोमिटिंग होना, उल्टियां हो जाना या फिर बच्चे को पूरे शरीर में लाल चकत्ते जैसा पड़ जाना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।